गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। फटाफट अटेंडेंस लगाइए। चलिए फटाफट लाइक कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जितने लोग भी अभी तक जुड़ चुके हैं फटाफट लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दें। तो आज का लेक्चर और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। पिछले लेक्चर में कुछ लोगों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है, कमेंट में मैंने देखा था। बट ध्यान से देखिए, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पूरा फोकस करके क्लास में आप रहोगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हर चीज़ को मैं रिपीट करता ही रहता हूँ, एक से दो बार तीन बार, तो ईजिली समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं कि आपको समझ में ना आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से कंसंट्रेट होके आप हमारे साथ, ठीक है, शुरू से आखिरी तक बने रहो तो हर चीज का आपको आनंद आएगा, हर चीज का लुत्फ आप उठा सकेंगे, समझ सकेंगे। ओके, तो आज की कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां पे काफी बच्चों को दिक्कत आई थी पिछली बार, क्योंकि मुझे आज वो पढ़ाना ही था, ठीक है, फिर से वो चीज रिपीट होने ही जा रही है। तो आज हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों एक कंसेप्ट के ऊपर। वो कंसेप्ट क्या है? डिफरेंस। नोट कर लीजिए, वो कंसेप्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो कंसेप्ट है डिफरेंस का। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। पिछली बार थोड़ा सा आइडिया दिया था, बट आज काफी ज्यादा डिटेल में इस बात को हम पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 साल के क्वेश्चंस और 3 साल के क्वेश्चंस डिफरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ध्यान से अगर आपने इस चीज़ को सीख लिया तो बहुत ही कम टाइम में आप इस सब क्वेश्चंस को कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। आलोक जो अभी अभी आ रहे हैं, ठीक है, जुड़ रहे हैं, वो फटाफट लाइक करें, प्लीज़ लाइक करना शुरू कर दें, उनसे उनकी अटेंडेंस लग जाएगी, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, राइट। ये सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच के डिफरेंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ध्यान से करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती अगर आपने पूरा कंसंट्रेशन बना के लिया। तो पिछले लेक्चर में भी एक एग्जांपल था, ऐसा हमने बताया भी था, आज हम प्रॉब्लम्स करेंगे लेकिन पहले बेसिक देख लीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सपोज कर लो आप कि आपके अकाउंट में 100 रुपये है। पिछली बार भी सिखाया था, काफ़ी लोगों की शिकायत है कि वो चीज़ समझ में नहीं आई। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। 100 रुपीज़ मेरे प्यारे बच्चों, 100 रुपीज़ क्या है? प्रिंसिपल। बहुत बढ़िया, मूलधन है 100 रुपये का। इस पर अगर हम कहें रेट परसेंटेज, ध्यान से बात सुनिएगा, 10% का रेट है, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, 10 रुपये का इंटरेस्ट आएगा कि नहीं? क्यों आएगा? क्योंकि 100 रुपये का 10% क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 100 रुपये का 10%, किसी का 10% उसका 1/10 पार्ट होता है। तो 100 का 1/10 मतलब 100 का 10%। बहुत ही दी, अगर 100 आप लेके चल रहे हो तो परसेंटेज 100 से बैलेंस होता है, यहाँ पे बैलेंस वैल्यू आपकी आ गई। तो ये 10 रुपये क्लियर हुआ, पिछली बार बताया था। दूसरे तीसरे साल में, तीसरे साल में ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। तो धीरे धीरे देखिए, दूसरे साल की कहानी देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट जहाँ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो 10% अगेन, दूसरे साल की बात मैं कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, 100 रुपये पर फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि जो अमाउंट हो चुका है एक साल के बाद वो 100 प्रिंसिपल था और 10 इंटरेस्ट था। तो 100 पर फिर से 10% निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो ये 10 आया मेरे प्यारे बच्चों, प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का कौन सा पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों? ये 10। इस 10 पर इंटरेस्ट क्या मिलेगा? 10 का 10%। साइड में ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे समझा रहा हूँ बात को। 10 का 10%, बोलो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? अरे ऊपर 100 नीचे 100 कैंसिल होकर 1। तो ये जो पार्ट मैंने ऐड किया, ये क्या चीज है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। जितने भी मैं प्लस लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, जितने भी इंटरेस्ट आ चुके हैं उन पर मिलने वाला इंटरेस्ट होगा, ओके। चलिए, बहुत सारे बच्चों को इस तीसरे फंडे में इस दिक्कतें आई थी, 10% तीसरे साल, ध्यान से देखिएगा।
आपके पास कितना अमाउंट आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों? अगर ध्यान से देखो तो ये 100 रुपीज, ये 100 रुपीज प्रिंसिपल है, और 10 रुपए और इधर 11 रुपए मिलाकर देखा जाए तो कुल 121 रुपए का अमाउंट बनता है। बनता है कि नहीं बताइए? अरे 100 रुपये प्रिंसिपल, पहले साल का 10 रुपये इंटरेस्ट, दूसरे साल का 11 रुपये इंटरेस्ट, टोटल कितना बना? 121 रुपये। लेकिन इसकी कैलकुलेशन मैं ब्रेक कर करके ही कर रहा हूं जैसे मैंने लिखा है। ध्यान से कि इस 100 जो प्रिंसिपल है उसका 10% फिर से मेरे प्यारे बच्चों 10 आएगा, प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। देखिए ये भी इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है, तो मैं पहले ऊपर वाला 10 जो पहले साल पे इंटरेस्ट मिला उस पर इंटरेस्ट निकालूं तो 10 का 10% मेरे प्यारे बच्चों 1, 10 का 10% 1। अब इस वाले पर, इस वाले जो दूसरे साल का 10 रुपये इंटरेस्ट है तो 11 रुपये पर 10 रुपये पर 10 का 10% 1 रुपये आया, और 1 रुपये जो ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पहले की वजह से आया ये तो तीसरे साल में भी देगा, तो 1 का 10% कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 0.1। 1 का 10%, 1/10 मतलब 0.1। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा, फिर से तीसरे साल में डाउट आता है बहुत सारे बच्चों को। ध्यान से देखिए, पहले 10% 100 पर निकला, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई इंटरेस्ट पेंटस नहीं, इसमें क्या है? कोई इंटरेस्ट पेंटस नहीं है, जीरो। क्यों? अरे भाई कोई इंटरेस्ट नहीं, केवल प्रिंसिपल ही है तो केवल उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जैसे एक साल के बाद इंटरेस्ट निकालना आप शुरू करेंगे, ये 10 रुपये जो पहले साल आया था वो दूसरे साल भी आएगा क्योंकि प्रिंसिपल तो मौजूद है। लेकिन जो 10 रुपये इंटरेस्ट आया, ये 10 रुपये उसकी वजह से इंटरेस्ट मिल गया, तो 10 की वजह से मेरे प्यारे बच्चों ये आया। आई बात समझ में? बिल्कुल सही। और ये 10 रुपये किसकी वजह से है? नीचे आपने कहा प्रिंसिपल की। जितने एक एक रुपए मैं जोड़ रहा हूं याद रखना, वो 10 रुपये पर आने वाले इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट की बात होती है। तो इस 10 का 10% 1 रुपये यहां आया, इस 10 का 10%, इस 10 का 10%, इस 10 का 10%, ये भी 1 ही आएगा, यहां गया। लेकिन ये 1 पे भी मिलेगा इंटरेस्ट, 1 पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1 का 10% 0.1। पिछली बार यही बात बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आई थी। ध्यान से देखिए, जितने भी मैं प्लस करूं उतने ऊपर डाटा जरूर होंगे। तो ऊपर देखो केवल 10 है, तो नीचे वाले 10 में प्लस 1 है। ऊपर 10 10 और 1 है, तो नीचे वाले 10 में जो सबसे लास्ट का 10 है उसमें देखो 3 बार प्लस लिखा हुआ है, एक बार पहले वाले 10 की वजह से, एक बार दूसरे, और एक बार 1 की वजह से इंटरेस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों बातें समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं आया? सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मैंने जो निकाला है वो प्लस कर करके लिखते जा रहा हूँ। ये अलग अलग जो डाटा मुझे दिख रहा है ना, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैं कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग ही दिखाई आपको दे रहा है कैलकुलेशन। पॉइंट भी क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट बताइए, कमेंट करिए क्लियर हुआ कि नहीं। अगर ना हुआ हो तो बताइए, फिर से बता दूं। जल्दी से देखिए, एक बार और देखिए, दूसरे कंसेप्ट के थ्रू ये बात मैं कर दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार यही चीज दोबारा समझा रहा हूँ। ध्यान देखिए, डाटा थोड़ा सा बदल रहा हूँ, हो सकता है आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यही सेम चीज समझाने जा रहा हूँ, बातें ध्यान से देखिएगा, तीसरे साल में जो प्रॉब्लम है वो इजीली समझ में आ जाएगा। ध्यान से चलिए देखिए, फटाफट देखिए। सपोज करो मेरे प्यारे बच्चों, ये 1000 रुपीज होता, कितना होता? 1000। तो 1000 का 10% मेरे प्यारे बच्चों क्या आता? 100 रुपये आता, एक जीरो कम हो जाता, 10% का मतलब 1/10 निकाल देना। यहाँ पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं है, क्यों? कोई इंटरेस्ट कहाँ है हमारे पास? फिर ये 100 रुपीज फिर आएगा, किसकी वजह से आया? 1000 की वजह से। क्लियर है? पक्का? अब जो यहां प्लस करने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, कुछ करूंगा प्लस की नहीं? आपने कहा बिल्कुल करेंगे। वो प्लस किसकी वजह से है मेरे प्यारे बच्चों? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट आया ना, इसका 10% यहाँ है, तो 100 का 10% 10 ही होगा, बहुत ही समझ पाए। तो दूसरे साल में एक बार इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला, क्योंकि पहले साल का जो इंटरेस्ट है उस पर ही केवल इंटरेस्ट मिला है। पॉइंट भी क्लियर? हाँ। तीसरा साल फोकस करिएगा, इस 1000 रुपये का 10% तो प्रिंसिपल की वजह से 1000 रुपये पर 10% 100 रुपये बना, प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट
मेरे प्यारे बच्चों एक बात आप बताओ, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ये भी इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है और ये भी इंटरेस्ट है। तो इस 100 का 10%, ऊपर वाले 100 का 10% क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? सिंपल 10 आएगा। नीचे वाले 100 का 10% क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? वो भी 10 आएगा। और इस 10 का 10% क्या आएगा? 1 आएगा। पॉइंट भी क्लियर? पिछली बार ये डाटा 100 से समझाया, अब की बारी 1000 से। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर हो रहा है? कोई डाउट तो नहीं? बहुत बढ़िया। तो जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा। 100 था तो एक एक जीरो हटा देते, वो 100 की वजह से आता, 1000 है तो एक एक जीरो बढ़ गया। तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पिछली बार बहुत अच्छे से ये बातें मैंने समझाया था आपको, ध्यान दीजिएगा, उस बात पे कोई भी डाउट आएगा नहीं, राइट? सब बातें अच्छे समझ में आएंगी, ध्यान देखिएगा, ठीक है? बात जो मैंने लिख दी है उसको ध्यान से समझिएगा, ओके? क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जरा क्या कह रहा हूं। ये सिंपल इंटरेस्ट भी है और यही क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि पहले साल को इंटरेस्ट नहीं है ना, तो केवल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे उसे सिंपल कह दो चाहे उसे कंपाउंड। तो कहने का ये मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही सेम होता है, दूसरे साल ऐसा नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इंटरेस्ट सेम दिख रहा है ना आपको, प्रिंसिपल की वजह से आया हुआ इंटरेस्ट क्या है? 100 रुपीज प्रिंसिपल की वजह से आया हुआ इंटरेस्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब प्रिंसिपल की वजह से आया हुआ इंटरेस्ट है। तो इसको मेरे प्यारे बच्चों आप क्या बोलोगे? सिंपल इंटरेस्ट। पॉइंट भी क्लियर? देखो जितने प्लस है, यहाँ 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे कोई इंटरेस्ट नहीं था। ऊपर एक वैल्यू है तो नीचे एक बार प्लस, ऊपर देखो एक दो तीन वैल्यू है तो नीचे बार तीन बार प्लस है, क्योंकि इस पर भी इंटरेस्ट मिला, इस पर भी मिला और इस पर। पॉइंट भी क्लियर? जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है, राइट? इसको हम डिफरेंस बोलते हैं। जो आज का कंसेप्ट है वो यही है, कंपाउंड और सिंपल के बीच का डिफरेंस आप हमें समझा दो, ओके? पॉइंट भी क्लियर? तो यहां से यहां तक की बात करें तो ये टोटल जो आया ये क्या आया? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दोनों ऐड कर दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का पार्ट जो दिख रहा है, जो प्लस वाला पार्ट एडिशनल दिख रहा है, वो सब डिफरेंस है। उस सब डिफरेंस है किसके बीच मेरे प्यारे बच्चों? सिंपल और कंपाउंड के बीच। और जो इक्वल इंटरेस्ट आपको केवल प्रिंसिपल की वजह से मिल रहा है, 100 रुपये 100 रुपये 100, ये सारे क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। पॉइंट भी क्लियर? तो इस ट्री डायग्राम में आपने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल भी है, सिंपल इंटरेस्ट भी दिख रहा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिख रहा होगा, डिफरेंस भी दिख रहा होगा और अमाउंट, मतलब ये सारी चीजें हमें दिखने लगेंगी, राइट? इसमें कोई डाउट नहीं, ओके? पक्का समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्स करना शुरू करिए, कंजूसी मत करिए, कमेंट जरूर करिए, ठीक है? उसे हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है कि आप चीजों को ध्यान से समझ रहे हैं, ओके? मेरे प्यारे बच्चों क्लियर है ना? चलिए समझ पाए? आप धीरे धीरे यही बात मैं आगे बढ़ाऊंगा। कुछ लोगों को अगर अभी भी थोड़ा दिक्कत हो रही है तो बहुत धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ा रहा हूँ, ये सारी बातें क्वेश्चंस में इजीली आपको समझाऊंगा, तरीका यही होगा। तो आज के लेक्चर में हम केवल डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले साल के कुछ साल के पेपर्स आप उठा के देख लो और देख लो कि डिफरेंस का क्वेश्चन आया है कि नहीं, चाहे 2 साल का क्वेश्चन हो चाहे वो 3 ही साल का क्यों ना हो। तो ट्रिक्स भी सीखने वाले हैं, कंसेप्ट बेसिक भी सीखेंगे कि कुछ भी ऐसा नहीं कि जो आपको समझ में ना आए, एक एक चीज समझेंगे, नोट डाउन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलें बढ़ते हैं आगे, ओके? तो एक क्वेश्चन के थ्रू जरा ये बात समझते हैं तो और भी आसान हो जाएगा ना, वाह, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? चलिए क्वेश्चन जरा लिख लीजिए। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल दिया है 10,800 रुपये, 10,800 प्रिंसिपल ये दिया है ना। रेट लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, रेट परसेंटेज जो है ना वो 16/2/3%। टाइम लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 ईयर्स।
कितने साल? 3 साल। रेट दिया, टाइम दिया, अगर मैं यहां प्रिंसिपल अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछता तो इजिली आप बता देते, कोई दिक्कत नहीं। याद आया प्रिंसिपल क्या लेते मेरे प्यारे बच्चों? पता है ना, तो शुरुआत मैं कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अप्रोच में ट्री डायग्राम की ही सिखाने जा रहा हूं और ध्यान से बने रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए रेट पकड़िए, अगर क्वेश्चन में रेट दे दिया जाए तो कुछ काम बहुत इजी होने वाला है, ये समझ लीजिए। 16 2/3 मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल क्या है? याद आया कुछ? आपने कहा रेट का फ्रैक्शन लेकर प्रिंसिपल जज कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस आर नो मेरे प्यारे बच्चों? 1/6 में मैंने बोला टाइम पकड़ लो मेरे प्यारे बच्चों। पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिए, अगर किसी ने नहीं देखा है तो ये बातें बहुत अच्छे से समझाई गई हैं, फिर भी मैं यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, चीजें समझिए। तो मैंने एक चीज समझाई थी प्रिंसिपल अमाउंट लिखने के लिए, आपको पता है डिनोमिनेटर 6 है, याद आया? तो 6 का क्यूब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 216। अमाउंट क्या है? 6 में 1 जोड़ दो क्या आएगा? 7। 7 का क्यूब मेरे प्यारे बच्चों 343। 343 द क्यूब ऑफ 7। ओके, अच्छा ये चीज हमें पहले से भी पता है कि इसको मैं देखते ही कर सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पक्का। बहुत अच्छे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिफरेंस की कहानी लिखने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा तरीका, अगर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता तो यही खत्म हो जाता, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता, सिंपल निकाल के घटाते तो वहां पे कंपेयर करते तो बहुत बड़ा होता। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है? तो ऐसी बातों से बचने के लिए हम आपको एक ट्रिक सिखा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक तरीका भी होगा, ट्रिकी भी होगा आगे चलकर, तो उससे बिल्कुल टच में रहिए। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा प्रिंसिपल, एक बात सबको समझ में आ गई, प्रिंसिपल कैसे लेना था? याद आ रहा है? टाइम देखकर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्यूब या सेम लिखकर हम ले सकते थे, उसमें कोई डाउट बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छे, जल्दी देखिए, अगर मैं आपसे कहूं प्रिंसिपल क्या है तो अभी आपने देखा 6 का क्यूब लिखा था मैंने 216। कैलकुलेशन यहां से शुरू कर दो मेरे प्यारे बच्चों, 216 का रेट लगाओ 1/6, रेट 1/6 है, 216 का 1/6 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 36। तो पहले साल का ये सिंपल इंटरेस्ट भी, और यही क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों दूसरे साल पे जरा फोकस करिए, 1/6 रेट अभी भी है तो 216 के ऊपर तो अभी भी 36 आएगा, ये बात समझ पा रहे हैं? अरे प्रिंसिपल की वजह से इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है प्यारे बच्चों, चाहे पहले साल हो चाहे दूसरे चाहे तीसरे, वो बिल्कुल सेम मिल रहा है क्योंकि उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस 36 रुपए पर भी इंटरेस्ट आपको अब मिलने जा रहा है, ये जो 36 रुपए है ना इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा ऐड कर दो, 36 का 1/6 कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 6। तो ये प्लस वाला पार्ट ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ये डिफरेंस में काउंट अभी होने लगेगा, समझ पाए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए अगेन 1/6 निकालते हैं, ये तीसरे साल जरा ध्यान समझिएगा, इसी में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आने लगती है, तो उन्हें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अच्छा मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 1/6 प्रिंसिपल की वजह से अभी भी 36 ही आना है। अब इंटरेस्ट कितने है? एक ये 36, ये एक दूसरा 36 है और ये 6, इन तीनों पर इंटरेस्ट आने वाला है। तो 36 का 1/6 मेरे प्यारे बच्चों, रेट 1/6 की तरह यूज हो रहा है, तो 36 का 1/6 जो पहले साल का इंटरेस्ट है उस पर तो 6 रुपए मिल रहा है, दूसरे साल का इंटरेस्ट एक पर 6 मिल रहा है और एक 6 पर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट है, ये भी प्रिंसिपल पर, ये भी प्रिंसिपल पर, तो ये क्या होगा? ये होगा सिंपल इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया, सिंपल इंटरेस्ट। हाँ क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन तो लिखा नहीं आपने, डिफरेंस मैं पूछ रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछ रहा हूं? डिफरेंस। क्वेश्चन आ गया, डिफरेंस कंपाउंड सिंपल के बीच क्या है? तो ठीक है आने दो, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आने दो, राइट? तो मैंने क्या बताया था, कुछ याद आया कि नहीं आया? याद बिल्कुल आया होगा कि ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये पूरा
सिंपल इंटरेस्ट है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट है। और ये पार्ट जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, मतलब ये डिफरेंस है। तो डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बिल्कुल 100 वाली अप्रोच है यहाँ पे। यहाँ पे काम को आसान करने के लिए मैंने थोड़ा सा ऐसा डाटा चूज किया है जिससे कैलकुलेशन मुझे सोच कर नहीं करनी पड़े, मैं लिखता ही जाऊँ स्पीड में। तो जैसे 216 का 1/6, कोई भी कहेगा 216 इज द क्यूब ऑफ 6, राइट। तो 6 के क्यूब के अगर 6 से आप डिवाइड करते हो, 6 का स्क्वायर ही तो बचता है, और 6 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है जल्दी बता दो, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो वही 36 आपको दिखाई दे रहा है, ओके। तीन बार क्यों दिख रहा है, क्योंकि 3 साल का क्वेश्चन है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का पार्ट लगा हुआ है, ऊपर एक बार 36 है तो नीचे उसके लिए 6 है, ऊपर दो बार 36 है तो सबसे नीचे वाले के लिए 2 बार 6 है, और 1 बार 6 के लिए 1 है। क्यों, 6 का 1/6 1, 36 का 1/6 36। तो बातें समझ में आ रही है, क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस का। तो आपको टेंशन नहीं लेना, डिफरेंस में मैंने वो कलर किया है, 6 रुपये 6 रुपये 6 रुपये और 1 रुपये। बोलो डिफरेंस क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, अरे 6 3 18 1 19, 3 बार 6 है ना, जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है वही डिफरेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो 19 रुपये आंसर आ चुका है, लेकिन ये आंसर तब आया जब आपने 216 क्या लिया, प्रिंसिपल। कैसे लिया, याद आया, डिनोमिनेटर का क्यूब, टाइम 3 साल का है, 2 साल का होता तो स्क्वायर, बहुत अच्छे, उसके अकॉर्डिंग चल के ये काम किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को कंपेयर करने जा रहा हूं, मैंने 216 लिया है, क्वेश्चन ने इस बात को 10,800 ले लिया है। तो 216 10,800 का क्या है, आपने कहा ये तो सिंपल 6, ठीक है, 108 बाई 216, ऊपर दो जीरो बढ़ा दीजिए, 1 बराबर यहां से 50 आया मेरे प्यारे बच्चों, क्यों आया, 108 का डबल 216 है। समझ पाए, पक्का, कमेंट करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, वरना नींद आने लगेगी, राइट। समझ पा रहे बात को, ठीक है। तो 19 रुपये की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, 1 बराबर 50 तो निकल गया, तो 19 बराबर 19 इंटू 50, आंसर इज 950, राइट। तो देखा आपने, कोई दम था नहीं था ना, ये बेसिक अप्रोच है, इसलिए पढ़ाई जा रही, जब क्वेश्चन थोड़ा घुमाएगा ना तो यही जो ट्री डायग्राम है ना आपकी मदद करेगा। ट्रिक्स भी और भी बता दे रहा हूँ बहुत सारी, लेकिन याद रखना इसे, तो अच्छे से पेन पेज कॉपी निकालो, नोट करो, दिमाग चलाकर कंप्लीट करिए आप, ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, सही है, चले आगे बढ़ जाए आगे, ठीक है, क्लियर है, पक्का होना ही चाहिए, बहुत अच्छे। तो एक ट्रिक्स लिख लो, तुरंत उड़ाओ क्वेश्चन, चलो देखो एक ट्रिक्स दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जरा गौर से इस क्वेश्चन के लिए करना, सेम क्वेश्चन के लिए तरीका दूसरा, ट्रिकी मेथड है, लेकिन बहुत जगह लगेगा नहीं, कुछ ही जगह लगेगा। तो आपको इतना मुझे नॉलेज देना है कि कहाँ कहाँ लगेगा, राइट, पॉइंट भी क्लियर। तो देखिए एक ट्रिक्स लिखिए जरा, और उससे क्वेश्चन करना कि कितना ईजी है, उसमें टाइम बिल्कुल आप नहीं लेंगे, ठीक है, देखते हैं। तो प्रिंसिपल मेरे प्यारे बच्चों अभी भी वही है 10,800, रेट अभी भी 16 से 2/3% है, देख रहे हैं। टाइम आपका 3 साल का है, टाइम आपका 3 साल का है, तो मैंने कहा रेट को चेक करो, रेट को चेक करो, बताइए कितना लिखूं, आपने कहा 1/6, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चों, एक मेथड्स में थी, इसका हमने यूज करवा ही दिया, बट और जल्दी अब आपसे जवाब मुझे चाहिए, उसके लिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आप देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए, ओके। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, एक बात आप बता दो मुझे, राइट, क्या बात पूछ रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, रेट क्या है, परसेंटेज पर एनम, कितना दिया मेरे प्यारे बच्चों, 16 2/3%। अच्छा इसको क्या लिखा जा सकता है, आपने 1/6 1/6, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं, पॉइंट भी क्लियर। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, रेट जब भी इस फॉर्म में हो 1/r, जैसे ये 1/6 के फॉर्म में, r बराबर 6 है ना,
तो डिफरेंस एक लाइन में उड़ाओ, डिफरेंस लिख लो जल्दी से लिखो, 3 साल के लिए 3R+1 फॉर 3 एल, ये भी नोट कर लीजिए कि आप कहीं भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं, फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के क्वेश्चंस में उड़ा दीजिए। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1/r के फॉर्म में रेट हो, जैसे 1/2 हो, 1/3 हो, 1/4 हो, 1/5 हो, 1/6 हो, 1/10, 1/11, जो भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, तो 1/r में स्मॉल r देखो, उससे 3R+1 कर दो, ये आपका क्वेश्चन कम से कम टाइम में निपट जाएगा। पॉइंट भी क्लियर, यस आर नो, फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आई बात, उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी, बढ़िया नाइस। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां से इस मेथड से डी बराबर क्या आया, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 6 है ना, तो डी की वैल्यू 3 × 6+1 19 आया, और प्रिंसिपल में कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 6 का क्यूब, याद करिए, ये सब नहीं बताऊंगा, कितना है 108 00, अभी अभी किया है, 1 = 50 आया था, याद आया कि नहीं, 150 है, तो डी की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, 19 × 50, आंसर इज 19×95 950, आया कि नहीं समझ में, बताइए पक्का क्लियर है, बहुत बढ़िया राइट नाइस जॉब, कोई डाउट आना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक और शॉर्टकट लेके आ रहा हूँ 3 साल के, नोट जरूर कर लीजिए, उससे भी कर सकते हैं, तो लिखो फॉर 3 ईयर्स, क्वेश्चंस में शॉर्टकट सी झड़ी लग जा रही, ध्यान से आप पढ़िएगा, फॉर 3 ईयर्स लिखिए, प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस इनटू 100/r का होल स्क्वायर, ठीक, इनटू 100/r। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल, हाँ चीज नोट करिए, पी क्या है मेरे बच्चों, प्रिंसिपल, मूलधन, प्रिंसिपल, ओके, ये क्या है अंतर, डिफरेंस, किसके बीच, किसके बीच, कंपाउंड और सिंपल, 3 साल का, फॉर 3 ईयर्स, पॉइंट भी क्लियर, हाँ जी, आर क्या है रेट परसेंटेज, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये मेथड तब लगाना जब आर की वैल्यू इंटीजर हो और सिंपल वैल्यू हो, आर की वैल्यू जब भी फ्रैक्शनल होगी, अगर 1/r के फॉर्म में है तो 3R+1 3 साल के क्वेश्चन में लगा देना, वो डिफरेंस के सारे क्वेश्चन तुरंत खत्म कर देगा, बात समझ पा रहे हैं, पॉइंट भी क्लियर पक्का। चलिए उम्मीद करते हैं ये शॉर्टकट आप जरूर नोट कर लिए होंगे, और इस पे हम क्वेश्चंस देंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन में डी पूछा जा सकता है, पी या तो आर ओ, सभी इस क्वेश्चन के अंदर निकल जाएंगे, इजीली याद आएंगे। तो एक बेसिक तरीका सीखे, दूसरा ट्रिक्स 1/r के फॉर्म में, तीसरा हमने 3 साल के लिए एक जबरदस्त ट्रिक्स दिया, प्रिंसिपल बराबर डी फॉर डिफरेंस, डी फॉर डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, समझ पाए, कोई डाउट नहीं, लगाएंगे शॉर्टकट जब आप तुरंत का तुरंत आपके हाथ में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लगे हाथ एक शॉर्टकट और लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, फॉर 2 ईयर्स, अब आप यहाँ पे बात कर ही रहे हो तो 2 साल के लिए लिख लो, प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस इनटू 100/r का होल स्क्वायर, इसमें एक्स्ट्रा कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं, ओके, एक्स्ट्रा कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ईजिली आप कर सकते हैं, तो लिख लीजिए प्रिंसिपल, ये 2 साल का डिफरेंस, आर रेट परसेंटेज, यहाँ पे डी है क्या है, ये D3 है मतलब 3 साल का, और ये D2 है, ओके, डी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड, डी क्या है CISI के बीच का डिफरेंस। तो ये शॉर्टकट भी ध्यान रखना, वैसे कम यूज करेंगे, कभी कभार यूज पे आएगा, तब आएगा जब इंटीजर्स वैल्यू हो, फ्रैक्शनल वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल नहीं करना, ये मेथड फिर अच्छा नहीं है, ओके, समझ पा रहे हैं पक्का। चले आगे फिर, ओके, आगे का कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो आगे चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ तक कोई डाउट बिल्कुल नहीं हुआ होगा, ओके, चलिए
एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, उस पर थोड़ा सा हिट करिएगा, राइट। लिखिए राइट डाउन क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जवाब चाहिए मुझे इसका। ओके लिख लीजिए, प्रिंसिपल इज 5100 रुपीज। मूलधन कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 5100। रेट परसेंटेज लिख लीजिए 12.5%, 12/2% पर एनम। टाइम मेरे प्यारे बच्चों नोट करो, 3 ईयर। टाइम क्या है, 3 ईयर्स का। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछने जा रहा हूँ आपसे। फिर से क्वेश्चन है, डिफरेंस बताइए किसके बीच, 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बीच, राइट। चलिए फटाफट उड़ाइए, फटाफट कहानी लगा दीजिए क्वेश्चंस की। हाँ जी, स्टार्ट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका जवाब चुटकियों में बता दीजिए, विद इन सेकेंड जवाब आ जाए तो बहुत मजा आएगा। ओके ट्रिक्स लगाइए, ट्रिक्स तो बहुत सारी दे रखी हैं, अब आप कौन सी ट्रिक लगा रहे हैं ये आपको सोचना है, ठीक है। तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं, कोई एक तरीका आप लगा सकते हो इसमें जो आपको बेस्ट लग रहा हो, राइट। चलिए शुरू कर दीजिए। हाँ जी, फटाफट जवाब बताना स्टार्ट करिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। टाइम शुरू हो गया है, काफी लोगों ने स्टार्ट कर दिया है कैलकुलेट करना जवाब, बताइए जल्दी बताइए। टाइम है 3 साल, प्रिंसिपल है इतना, रेट है 12.5%, 12/2% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल के सिंपल 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस। तो पहला ट्रिक्स, चलिए जवाब आ चुका है, बहुत सही। जिनसे नहीं मिला जवाब ध्यान से देखें, सॉल्यूशन दे रहा हूं इसका। रेट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 12.5%। क्या है, 12.5, दिस इज 1/8। क्या है, 1/8। ओके 12.5% का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 1/8 है। ओके टाइम 3 साल का है, कुछ याद आ रहा है। डिफरेंस का शॉर्ट कट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 3R+1, याद आया। 3 साल के क्वेश्चंस में ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, 2 साल में नहीं, 3 साल के क्वेश्चंस में। 2 साल के क्वेश्चंस की भी बात अभी मैं करूंगा। तो 3 ईयर के सारे क्वेश्चंस में अगर 1/R का फॉर्मेट आप बना लो, तो 1/R में स्मॉल r की बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, राइट। स्मॉल r से हम d की वैल्यू 3 साल के लिए क्या निकालेंगे, 3R+1, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या मिलने जा रहा है, r की वैल्यू 1/R के फॉर्म में, देखो ध्यान से आप, स्मॉल r की वैल्यू 8 है ना, तो 3×8+1, 24+1, क्या जवाब आया, 25। लेकिन ये 25 रुपीज का आंसर कब है, मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल जज करिए, टाइम 3 साल का है, तो प्रिंसिपल याद करो, क्या बताया गया था मेरे प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर का क्यूब। अगर प्रिंसिपल 2 साल का देखना है, 2 साल के लिए देखना है, 2 साल का कोई प्रिंसिपल तो होता नहीं, बट हाँ प्रिंसिपल स्टार्टिंग वैल्यू होता है, उसको एज्यूम करने के लिए मैंने आपको ट्रिक्स क्या बताई थी, 1/R के फॉर्म में अगर रेट आपने लिख लिया, 1 साल के लिए प्रिंसिपल क्या यूज करने वाला होता है, वही आर, 2 साल के लिए उसके स्क्वायर कर दिए होते हैं और 3 साल के लिए उसके क्यूब। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल आ चुका है 512 रुपए। ओके बात समझ पाए, क्वेश्चन कब का सॉल्व हो चुका है, वर्बली आप कर चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 512 मेरे लिए है, जब रेट 1/8 है, 3 साल का प्रिंसिपल, 3 साल के लिए प्रिंसिपल को यूज करने के लिए मैंने क्या बोला था, अगर 3 साल के क्वेश्चंस की बात हो तो प्रिंसिपल रेट के डिनोमिनेटर का जो आप 1/R के फॉर्मेट में यूज करते हैं उसका क्यूब कर दीजिए। तो वहां से 512 जो प्रिंसिपल है मेरे प्यारे बच्चों, 512 राइट, उसके हिसाब से हमने जवाब आपको दे दिया। कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंस 25 रुपए, अरे 3R+1, 3R+1, बहुत अच्छे। ये बहुत ही ट्रिकी मेथड है, क्वेश्चन खत्म होने वाला है, लेकिन मैंने एक चीज देखा कि मेरा प्रिंसिपल तो 512 रुपए ना,
बट ये क्वेश्चन में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 512 के साथ डबल जीरो दिख रहा है, तो 1 अगर आप यहाँ यूज करो मतलब 512 से डिवाइड करो तो 1 की वैल्यू 100 आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों 25 क्या आना चाहिए, बोलिए 25 क्या आना चाहिए, 2500। तो ये आंसर आ चुका है, पॉइंट भी क्लियर, 2500 जवाब आ चुका है डिफरेंस का। समझ पाए बात को कि नहीं, बताइए कोई डाउट तो नहीं आया। तो मैंने आपको बताया अगर 3 साल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए, रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती रहती है, तो पहले 1/r के फॉर्म में रेट को बनाइए, अगर वह है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो बनाएंगे आगे चलकर, बहुत क्वेश्चन ऐसे कराएंगे जहाँ पे 1/8 1/9 नहीं है, 3/25 होगा या 3/ कुछ और होगा, 25 होगा, तो उन सारे क्वेश्चंस को बनाना सिखाएंगे। अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है, 1/r के फॉर्म में सीधा सीधा आपको रेट मिल गया 1/8, तो स्मॉल r की वैल्यू यहां से समझ में आई 8। 3 साल के डिफरेंस की बात की जाए सिंपल कंपाउंड के बीच, तो शॉर्टकट क्या था मेरे प्यारे बच्चों, 3r+1, r की वैल्यू रखते ही जवाब आ चुका है 3 × 8 + 1 = 25। बट ये 25 का जो आंसर आया है मेरे प्यारे बच्चों, ये किसकी वजह से है, जब मैंने प्रिंसिपल क्या चूज किया था, 512, मतलब 512 पर जवाब 25, 512 पर जवाब 25, तो अगर इसमें 2 जीरो हम बढ़ा दें पीछे, तो इसमें भी 2 जीरो पीछे हम बढ़ा दें, राइट, आंसर डायरेक्ट दिख जाएगा। कंपेयर करने की बात तो वो है जो बहुत ही बेसिक से सिखाया, बट अगर आप एडवांस थोड़ा सा होते जाओगे तो डायरेक्ट अप्रोच करो, डायरेक्ट जवाब बताओ, मेरे लिए 512 क्वेश्चन के लिए 512 डबल जीरो, तो मेरा 1 उसका 100 मतलब 100, तो 100 टाइम्स कर दीजिए आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं आया होगा पक्का। चलिए इसी बात पर एक क्वेश्चन और उड़ाइए, फटाफट बताइए, चलिए शुरू हो जाइए। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा हम घुमाते हैं ना, अब देखते हैं कि आप उसका जवाब सही बता देंगे। लिखिए प्रॉब्लम नोट करिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल बताना है, चलिए उल्टा क्वेश्चन, डिफरेंस 3 साल का सिंपल कंपाउंड के बीच है, 3 साल का सिंपल और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, बात समझ पा रहे, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का ना, चलिए तो इस बात को समझिए क्या है, लिख लीजिए यहां पर d की वैल्यू मैं आपको क्या दे रहा हूं, लिखिए 122, ठीक, ये 1220 रुपये लिख लीजिए, अब सही रहेगा, लिखिए डिफरेंस है 1220 रुपये, ओके, 3 साल का क्वेश्चन है, टाइम लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 इयर्स, और रेट लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों 5% पर, चलिए शुरू हो जाइए, प्रिंसिपल बताइए, ट्रिक्स आपके पास है, तजिया उड़ाइए फटाफट, उम्मीद करेंगे कि हर एक बच्चे से जवाब आएगा, पूरी क्लास से जवाब मुझे चाहिए, जितने लोग भी जुड़े हैं फटाफट आंसर बताएं, प्रिंसिपल निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, आप चाहे तो शॉर्टकट लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी बहुत सही, आप फटाफट कर लो, आपको कुछ ट्रिक्स भी दी गई थी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना गलती से ये, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा गया है देखो, 3 साल का डिफरेंस का क्वेश्चन था ना, प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस इनटू 100/r का होल स्क्वायर, 100/, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे गलती से थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, गलत हो गया है, यहाँ पे 300+r था, 300+r, वरना वो क्यूब तो नहीं हो जाता, तो देखिए ये चीज थोड़ा ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये पीछे कुछ गलतियां हो गई हैं, राइट, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, 300+r, हाँ राइट, ये ट्रिक्स भी मेरे प्यारे बच्चों आप लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके, तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ इसको आप करेक्ट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज इसमें लिखिएगा 300+r, ठीक है, 2 साल का बिल्कुल ठीक है, ये ट्रिक्स से भी आप काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये फार्मूले उमले थोड़े से कैलकुलेटिंग कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए हम, ठीक है, उसकी बात नहीं करते, तो वापस क्वेश्चन पाते हैं,
मेरे प्यारे बच्चों, 3 साल का ट्रैक्स, प्रिंसिपल इक्वल टू डी इंटू 100 अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू 100 अपॉन 300 प्लस आर। कुछ नहीं है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। देखिए डी की वैल्यू 1220, 100 प्लस 5, 100 बाई 5 का होल स्क्वायर। और मेरे प्यारे बच्चों 100 अपान यहाँ 305 हो गया, वैल्यू डाल दिया और कुछ किया नहीं। हाँ, एक तरीका ये है, सॉल्यूशन नंबर 1। ये तब लगाना जब आपका दिमाग नहीं चल पा रहा हो, सबको ये फार्मूला याद हो। फार्मूले से टाइम बहुत लगता है, इसलिए थोड़ा फार्मूला हम कम यूज करवाते हैं, बट आप देख लो ध्यान से कैलकुलेट करके। तो एक चीज बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए क्या चीज आपको मिलने जा रही है। ये जो वैल्यू है ये देख रहे हैं, अरे 305 का 4 गुना क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई बताएगा? ये और ये कट गया, 4 बार में कट गया कि नहीं, बोलो। इसका 4 गुना 1220 होता है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल होता है, बहुत अच्छे। तो ये 4 है, ये देखो कटेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 20 का स्क्वायर बनेगा। 20 का स्क्वायर क्या होगा? 400। और उधर क्या है? 100 है ना। तो 4 × 4 16 और 40 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आंसर आपने दे दिया। फार्मूले का यूज करने वाले जो भी बच्चे हैं वो फार्मूले में वैल्यू डालें, हर एक वैल्यू पता है, 3 साल का ट्रिक्स पता है, जवाब बिल्कुल आपका आ जाएगा। हाँ, तो करेक्ट कर लीजिएगा, वहां पर गलती से 100 अपन आर लिख लिया गया था, 300 प्लस आर होता है मेरे प्यारे बच्चों। 2 साल के लिए जितना पार्ट होता है, लेकिन 3 साल के लिए टोटल देखना होगा। ये तरीका समझ में आया? पहला मेथड क्लियर है पक्का? दूसरे मेथड की बात कर दें, चलिए करते हैं। क्वेश्चन में आपने देखा प्रिंसिपल पता लगाना था, डिफरेंस 1220 रुपया सिंपल कंपाउंड के बीच 3 साल का था, टाइम जो है वो 3 साल का है मेरे प्यारे बच्चों, रेट है कितना? रेट था मेरे प्यारे बच्चों 5% पर, यही ना क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। डी का शॉर्टकट 3 साल के लिए, ये लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए। बिल्कुल लगेगा, बहुत अच्छे राइस। तो ये बताओ 5% को मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा था? 1/20। तो ये 1/r के फॉर्म में है, r की वैल्यू कनेक्ट हो गई, डी हमें मिल गया। डी हमें क्या मिला? 3 × 20 + 1। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, ये आया 61, आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया, बहुत अच्छे। लेकिन ये 61 तब आया जब प्रिंसिपल मैंने बोल रखा है 20 का क्यूब होगा, मतलब मेरे प्यारे बच्चों 8000 होगा। मतलब 8000 अगर प्रिंसिपल है, तो फिर सिंपल कंपाउंड के बीच 3 साल का डिफरेंस 61 है। बट मेरा क्वेश्चन ये तो है नहीं, हमारा क्वेश्चन 8000 नहीं है, है तो कितना? 61 नहीं, अच्छा 61 नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, 61 की वैल्यू उन्होंने बोला 1220 है, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 की वैल्यू क्या होगी? 20 हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझ पाए रे? 61 इक्वल टू 1220, तो 1 इक्वल टू 1220/61, 20 टाइम्स कट हो गया, हो गया। तो 120 अगर 120 के बराबर, तो 8000 की वैल्यू 8000 का 20 टाइम्स, 8 × 2 = 16, और उसके पीछे कितने 0 4 0 आंसर आया। तो बेस्ट अप्रोच है, मजा आया? 3 साल के सारे क्वेश्चंस में ये बहुत अच्छे तरीके हैं जो आपको मैं सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन की धजिया उड़ा दीजिएगा, इसमें टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, पॉइंट भी क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन के साथ ये बात और क्लियर कर देते हैं, काफी लोगों को डाउट आ रहा होगा अभी भी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहिए, पूरा कंसंट्रेट करके क्लास में बने रहिए, समझ में तभी आएगा। थोड़ा सा इधर उधर अगर आपने किया सेशंस को, सेशन से आप थोड़ा इधर उधर भटके तो मुश्किलें पैदा होंगी, राइट? समझ में आया? कमेंट करते जाओ मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कर जाओ कि क्लियर है कि नहीं। हाँ जी, फटाफट रिस्पांस देना जरूरी है, कमेंट करना जरूरी है, राइट? पूरी वीडियो समझना है, लगातार बने रहना है, अच्छे से चीजें क्लियर करिए। अभी तो बिल्कुल ठीक है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा लेक्चर चल रहा है, धीरे धीरे इसमें भी अभी लेक्चर हम ऐड करेंगे और धीरे धीरे हाई लेवल की तरफ हम बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज
डिफरेंस की ये कहानी समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों और लिख लो। चलो देखो, प्रिंसिपल क्या है लिख लीजिए 19800। ध्यान से सुनिएगा, अभी अप्रोच थोड़ा बदलना सिखा रहे हैं। हाँ, ये प्रिंसिपल है मेरे प्यारे बच्चों, रेट अब बदल रहा हूँ, जरा देखना। रेट परसेंटेज फॉर फर्स्ट ईयर इज 10%, रेट परसेंटेज फॉर सेकंड ईयर इज 9/11%। ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और रेट परसेंटेज फॉर थर्ड ईयर इज 11/9%। ठीक, आपसे कह रहा है कि डिफरेंस बताइए कंपाउंड और सिंपल के बीच। ध्यान से देखिएगा, अब की बार हर साल का इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, सेम तो है नहीं। आपने देखा क्वेश्चन जरूर 3 साल का है, 3R+1 लगा सकते तब जब वो क्या होता, हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता। बट यहाँ पे बच्चों ऐसा आप कर नहीं पाओगे। टेक्निक ध्यान से सुनिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। तो प्रिंसिपल आपको एज्यूम करना है रेट के हिसाब से। मैंने सिखा रखा है कि रेट को फॉलो करिए। तो पहले साल का रेट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पहले साल का 10% है। क्या है? 10%, 1/10 है, 1/10। ठीक है ना। दूसरे साल का रेट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 9/11%। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1/11। और तीसरे साल का रेट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 11/9%। ये होता है 1/9। फ्रैक्शन क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, अगर ये तीनों साल का रेट 10% होता तो हो, ये 1/10 होता, ये 1/10, ये भी 1/10 होता। तो आपने एक बात नोटिस किया था कि मैंने 3 साल के क्वेश्चन में डिनोमिनेटर का क्यूब किया था। पॉइंट भी क्लियर, फिर से ध्यान से सुनिए, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर से ध्यान से सुनिए वरना फिर समझ में बात ही नहीं। मैंने क्या बोला, 10% अगर 3 साल का रेट होता मेरे प्यारे बच्चों, 3 साल के लिए रेट फिक्स होता, तो 10% को 1/10 लिख रहे हैं आप, तो उस 10 का क्यूब कर दे रहे हैं, क्योंकि 10 × 10 × 10, तो यहां पे 1 बार 10 है। देखो 1 बार 10 है, अगली बार यहां 1 बार 10 है, अगली बार 11 है, और अगली बार क्या है, 9 है। अगर ये तीनों 10 10 10 होता था तो 10 का क्यूब हमारा प्रिंसिपल सेट होता था। बट कोई नहीं, प्रिंसिपल मेरे प्यारे बच्चों क्या सेट करोगे, 10 × 10 नहीं है, कोई नहीं, जो है उससे 11 × 9। तो एक बात देखने में आई कि 990 रुपये का प्रिंसिपल ये सेट हुआ, एजम्पशन हुआ। एजम्पशन लेने के तरीके बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, 3 साल के सारे क्वेश्चंस के लिए। ओके, तो 990 रुपये, समझ पाए बात को, पक्का क्लियर है। तो चलिए एक कैलकुलेशन सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। तो मैं अगर आपसे बोलूं, बेसिक मेथड समझिएगा, प्रिंसिपल है 990 जो मैंने अज्यूम किया। पहले साल का रेट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो पहले ये ट्री डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान समझिएगा। दूसरे साल का रेट क्या है, तीसरे साल का रेट क्या है। तो मैं यहां पे 10% को समझता हूं, ये 1/10 होता है, हमें कैलकुलेशन 1/10 करनी है। हाँ, और इसके पहले वाले में क्या था भाई, 9/11% मेरे प्यारे बच्चों, ये है 9/11%। क्या बोलते हैं इसको, 1/11। अच्छा, यहां पे क्या है, 11/9%, इसे क्या बोलेंगे, 1/9। पॉइंट भी क्लियर, यहां तक कोई डाउट तो नहीं। ध्यान से देखिए, 990 कैसे आया, 10 इसका, 11 इसका, 9 जो रेट है उसके डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लीकेशन, उसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन। अगर 2 साल 2 बार मल्टीप्लाइड उनका आपस में करो, सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ओके, पॉइंट भी क्लियर, पक्का आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कैलकुलेशन पे फोकस करिएगा, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा।
जब 990 का 1/10 मेरे प्यारे बच्चों निकालोगे तो ये 99 आएगा, आएगा कि नहीं? अरे 990 को 10 से डिवाइड कर दो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 99 ही आएगा ना। अब दूसरे साल में आ जाइए, 1/11 मतलब 11 से डिवाइड करना, ध्यान सुनिएगा, समझ में नहीं आएगा नहीं, 990 को 11 से डिवाइड करिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा जल्दी बताइए? 90। बहुत अच्छे, ये प्रिंसिपल की वजह से इंटरेस्ट है। प्लस का साइन क्यों आया? क्योंकि इसके ऊपर एक इंटरेस्ट 99 का दिख गया, पॉइंट भी क्लियर, 99 ऊपर दिख गया। तो इस 99 का 1/11 मेरे प्यारे बच्चों, 99 का 1/11 रेट है ना, तो ये 9 रुपए, समझ में आया? क्लियर हुआ? पक्का समझ पाए? नहीं समझ पाए, फिर से देखिए। पहला तो क्लियर हुआ, 990 का 1/10 कितना? 99। लेकिन जब दूसरे साल 990 का 1/11 निकालेंगे तो 98 इस 990 की वजह से आया। अभी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे प्यारे बच्चों, तो 99 का 1/11 क्या होगा? अरे 99/11 9 ही होगा, पक्का। तीसरा और मुश्किल है, ध्यान से कंसंट्रेशन बना के देखिए, तीसरे में यार बात करने है। 990 मतलब प्रिंसिपल की वजह से इंटरेस्ट यहाँ क्या मिलेगा? तो 990 का 1/9 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 9 × 9 = 0। ये बात समझ में आई? ये किसकी वजह से? प्रिंसिपल की वजह से। प्लस ऊपर कितने डाटा है? एक 99 है, एक 90 है और एक 9 है। मेरे प्यारे बच्चों, इस 99 पर क्या इंटरेस्ट आएगा 1/9 के रेट पर? जल्दी बताओ, 99 का 1/9 मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या बोलोगे? 11 ही तो बोलोगे। अरे 99 को 9 से डिवाइड कर दो, आया जवाब प्लस। अब इस 99 की वजह से इंटरेस्ट तो आ गया, इसकी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से भी आएगा, राइट? तो इस 90 की वजह से, इस 90 की वजह से क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 9 × 9 = 10 आएगा। और इस 9 की वजह से क्या आएगा? इसकी वजह से आ गया, इसकी वजह से आया, इसकी वजह से, अब इसकी वजह से, तो 9 का 1/9 = 1। मेरे प्यारे बच्चों, देखने वाली बात ये है कि ये टोटल जोड़ने पर ही क्या बनता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये अप्रोच इसलिए बता रहा हूं कि 2.5 ईयर का क्वेश्चन, 2 ईयर समथिंग डेज का क्वेश्चन तब कर पाओगे जब ये सब चीजें डिटेल में आई। अगली बार लेकर आऊंगा ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन, तो इसके क्लासेस इसलिए ज्यादा ले रहा हूँ कि इसका यूज बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स पेपर में आती हैं। समझ पाए? तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आ गया, तीसरे साल का, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 990 का 1/9 मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल की वजह से हमेशा इंटरेस्ट मिलता है, चाहे किस साल की बात करूं। तो 110 कैसे आया? 990 को 9 से डिवाइड करने के बाद। फिर ये 11 कहां से आया? ये 11 में लफड़ा है, कहां से आ रहे? इसकी वजह से, ये भी इंटरेस्ट है। तो 99 का 1/9 क्या होता है? 11। फिर इसकी वजह से ये वाला 10 आया, अरे 90/9 आया 10, समझ पाए बात को? फिर 9 का 1/9 = 1 आया, पॉइंट भी क्लियर, पक्का समझ पाए? बहुत अच्छे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात आप बताओ कि ये क्या चीज है? ये 99, ये 90, ये 110, मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है? दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि ये केवल प्रिंसिपल की वजह से आया हुआ इंटरेस्ट है, पॉइंट भी क्लियर पक्का। अच्छा, ये क्या है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है। ये भी क्या है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है। ये सारा जितना प्लस वाला पार्ट है ना, यही डिफरेंस कहलाता है। सिंपल और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? जितना भी प्लस मैंने दिखाया, तो एक बार प्लस है क्योंकि ऊपर एक डाटा है। देखो यहाँ 3 बार प्लस है क्योंकि ऊपर 3 डाटा है। मैंने अलग अलग लिखा है, कंफ्यूजन का कोई मतलब नहीं, ब्रेकअप कर दिया है, छोटे छोटे पार्ट्स में समझा रहा हूँ चीजों को, कैलकुलेट करना आसान हो जिससे, राइट? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने डिफरेंस का क्वेश्चन लिया था, डिफरेंस के पार्ट को जोड़िए। 9 + 11 + 10 + 11। तो मेरे प्यारे बच्चों, जवाब क्या आ चुका है जल्दी से बता सकते हैं मुझे? जल्दी से बताइए। 11, 9, 20, 10, 30, 31। 31। ये 31 तब है जब प्रिंसिपल 990 है, ओके। तो 990 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या है? 1980। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 की वैल्यू, इसका देखो डबल दिख रहा है, दिख रहा है 1980 है। क्या था क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों? 00 था, हाँ 00 था, ठीक है कोई नहीं। तो चलिए यहाँ पे वो बात समझ में आ गई। तो क्या आया? ये 00 था,
तो यहाँ पे दो बार में कट गया एक जीरो 20 टाइम्स थी। 31 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगी, 6 2 0 620 इज द राइट आंसर। समझ पाए, कोई डाउट तो नहीं हुआ, क्लियर हो रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, पक्का? फटाफट लगे हाथ एक और क्वेश्चन उड़ाइए, ऐसा ही देने जा रहा हूं, अलग अलग रेट होगा बट स्पीड में करिएगा, गलत नहीं चाहिए जवाब। चलिए आ जाइए मैदान में, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पॉइंट इज दिस, लिखिए प्रिंसिपल आपको दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, देख चलते से लिखिए 4200 रुपीज, फटाफट नोट करिए। आपको टाइमिंग 3 साल का दिया है, टाइम इज 3 ईयर्स, राइट, बात समझ में आ रही है। चलिए रेट, पहले साल का रेट लिख लो मेरे प्यारे बच्चे, रेट परसेंटेज पर एनम, पहला लिखिए जल्दी से 10%, दूसरा लिखिए फटाफट। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, R1 तो दे दिया, मतलब रेट परसेंटेज फॉर फर्स्ट ईयर, रेट परसेंटेज फॉर सेकंड ईयर, जल्दी से बताइए रेट परसेंटेज फॉर सेकंड ईयर, जल्दी से नोट करिए, ये है 16 whole 2/3% पर एनम। रेट परसेंटेज फॉर थर्ड ईयर दिया है 14 whole 2/7% पर एनम। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, डिफरेंस का क्वेश्चन है, हाँ फाइंड द डिफरेंस, सिंपल और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस है, शुरू हो जाइए, स्पीड में जवाब चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड बढ़ा दीजिए, हर एक बच्चे से मुझे इसका जवाब चाहिए, और टाइम बिल्कुल लगना नहीं चाहिए, टाइम लगने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ओके, बिल्कुल लगना नहीं चाहिए। जल्दी से बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों आंसर, उम्मीद करेंगे सारे बच्चे इसका जवाब बताएं, भीड़ से पूरा जवाब चाहिए, बिल्कुल टाइम मत लीजिए, उड़ा दीजिए क्वेश्चंस को, राइट। चलिए चलिए जवाब आने शुरू हो गए, बहुत अच्छे, गुड, वेल डन। प्रिंसिपल खुद से सेट करते जाइए, 3 साल का क्वेश्चन, इसका मतलब 1/10, इसका मतलब 1/6, ये सब पढ़ा चुका हूं। प्रिंसिपल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन, तो 10 × 6 × 7 42, साक्षक 42, 420, देखो प्रिंसिपल बहुत इजीली सेट हो गया, ध्यान से करिएगा। अब शुरू हो जाइए, पहले 1/10 निकालो मेरे प्यारे बच्चों, इसका 1/10 42 आएगा, बहुत अच्छे। इसका 1/6 क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, अरे 420 का 1/6, 6 × 7 = 42, 70 प्लस, एक ऊपर है तो एक बार प्लस, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से टेक्निक सीखो, 42 का 1/6 7 आ जाएगा, बहुत अच्छे। 1/7 पे आ जाइए, तो ये 1/7 की बात करें तो 7 × 6 = 42, 60 आया, बिल्कुल, इस 42 की वजह से 6, इसकी वजह से 10, इसकी वजह से 1, बहुत बढ़िया। देखो बहुत सिंपल है भाई, जितना हम ऊपर डाटा देख रहे हैं, पहले तो इसकी वजह से 3 बार आप लिख ही लो, राइट, और उसके बाद एक बार प्लस करो केवल ऊपर वाले की वजह से, और नीचे 2 नहीं 3 बार प्लस करो, एक बार इस ऊपर वाले की, फिर नीचे के दोनों वाले की वजह से, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट को जोड़ना है, जो इंटरेस्ट ऊपर दिख रहा है उसकी वजह से भी इंटरेस्ट मिलने जा रहा है, पॉइंट में क्लियर, पक्का, समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छे। तो इस तरीके से जवाब देना मुश्किल है, डिफरेंस की कहानी मैं लिख रहा हूं तो मुझे ज्यादा काम करना नहीं है, मेरा डिफरेंस मुझे दिखने लगा, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 7, 6, 13, 10, 23 और 1, 24, तो डिफरेंस क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, 24 आया, कब आया, जब प्रिंसिपल क्या है 420 है, लेकिन जब प्रिंसिपल 4200 होगा तो मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस क्या होगा, 10 बढ़ा देने वाली बात करेगा, पॉइंट भी क्लियर। तो क्या है आंसर, क्या आया जल्दी से जवाब बताइए, 240। उम्मीद करते हैं चीजें बिल्कुल अच्छे समझ में आए, क्योंकि बहुत ज्यादा कंसेप्ट आज नहीं पढ़े गए, आज केवल बातें क्या हुई मेरे प्यारे बच्चों, आज केवल डिफरेंस की बातें हुई, और ज्यादातर क्वेश्चन 3 साल वाले किए गए। अगले लेक्चर में मैं 2.5 ईयर, 2 ईयर समथिंग डेज और 2 ईयर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है, जहां पर रेट सेम भी होगा और रेट अलग भी होगा, और आपको बहुत आनंद आएगा, ठीक है, क्वेश्चन करके। तो
तो बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ये चीज अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि 3 साल के क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी होती है, समझना मुश्किल होता है। रेट सेम हुआ तो 3R+1 डाटा यूज करो, रेट अलग हुआ तो ये आप ट्री डायग्राम बनाकर कहानी को अच्छे से समझ सकते हो। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। देखो अगर नहीं आ रही है तो आप प्लीज कमेंट करो, ठीक है, कई बार कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं तो इसकी वजह से आपको उस टाइम पे मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, बट बाद में अगले लेक्चर में उसका सोल्यूशन का जवाब आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस बना के चले हमारे साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रहे, सुबह 10 से 11 का सेशन बिल्कुल मत छोड़िए, एलजेब्रा चल रहा है बेसिक लेवल से, आइडेंटिटी का कुछ फंडा पड़ा है तो कल भी आइडेंटिटी लेकर आएंगे हम 10 से 11 बजे, जरूर आप अवेलेबल रहिए, चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। और इधर आपका अरिथमेटिक चल रहा है तो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट चल ही रहा है, अभी 2-3 लेक्चर और होने वाले हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पेपर के लिए। तो इसी उम्मीद और उमंग के साथ आप, ठीक है, उत्साह और उमंग के साथ हमारे साथ आप बने रहिए, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है आपका, ठीक है, सपोर्ट मुझे मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ स्टार्टिंग से एंड तक बने रहे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे ठीक है, 10 बजे का सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों, बाय।